Thank you, Suresh. Honorable President, YTF Runel De Burma, in charge YTF EM Suhail De Burma, NDC Ravindra Babu, EM Rajesh Tripura, Working President Pita Tayong, Jitel, Rasmi, Hollywood Chakma, General Secretaries, जो सामने में है अभी, धनंजय अपना, गोपाल सतनामी, जेम्स, बहुत लोग हैं। आज मैं ज़्यादा लंबा बात नहीं करूँगा, तबीयत भी ठीक नहीं, मैं यहाँ आया हूँ आपसे कुछ बात करने के लिए। इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए। आपको टीका लगाना चाहिए कि नहीं? लेकिन पिछले 3-4 महीने से बहुत कुछ लीडर मेरे सामने आकर टीका लगाने के बारे में बात नहीं कर रहे, ग्रेटर टीका लगाने के बारे में बात नहीं कर रहे, टिकट के बारे में बात कर रहे, कंप्लेन कर रहे हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, लेकिन टीका लगाने के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे। मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरे ऊपर मुझे टेंशन है कि मैंने इतना सैक्रिफाइस किया है अपना पैसा के लिए और इलेक्शन पास आ रहा है और नेता लोग पीपरलैंड नहीं बोल के अपना सीट के पीछे भाग रहा है, कोई पोजीशन के पीछे भाग रहा है। क्या करना चाहिए? पीपरलैंड को छोड़ देना चाहिए एमएलए के लिए? कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? आज आप जानते हैं पीपरा मौथा पावर में क्यों? क्योंकि जो गांव में पीपरा का लोग है उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। वो लोग ने बोला कि बुबाकराज झूठ नहीं बोलेगा, वो लोग ने बोला है कि बुबाकराज फाइट कर रहा है, बुबाकराज पैसा लेकर पोस्ट लेकर दूसरा नेता जैसा हम लोग को धोखा नहीं देगा, धोखा है हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन हम जो देख रहा है सब नहीं लेकिन थोड़ा लीडर्स है जिनको ग्रेटर पीपल लाइन में इंटरेस्ट नहीं, उनको नेता बनना है, उनको एमएलए बनना। तो मैंने इतना सैक्रिफाइस किया, एमपी बन सकता था, ऑफर आया था, मंत्री बन सकता था, ऑफर आया था, अपना संपत्ति नीड में है वो सब ले सकता था, हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था, वादा किया था अपना चित्रा सर को कि हम आपको कुछ देगा। आज ये जो YTF का कन्वेंशन है, मैं आपको थोड़ा सा बात बोलना चाहता हूँ। होप, देयर इज समथिंग कॉल्ड होप, आशा, विश्वास, एक चाहत है। मैं होप करता हूं कि अपने हाँ में चीनी हाँ चीनी नाई कॉल फॉर्म हो, ये होप है। ये होप सिर्फ सेकुलर कर सकता है, सोच सकता है, यूथ सोच सकता है, क्योंकि जो जिसका उम्र हो गया है वो उनके सामने जिंदगी नहीं, आपके सामने जिंदगी। अगर आज आप लोग थोड़ा सा आराम के लिए, पैसे के लिए, पोस्ट के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेगा तो ये चांस आपको जिंदगी भर नहीं मिलेगा। ये आपका जनरेशन का लास्ट चांस। ये जो आपका पीपरासा लोग है ना यहां में, ये आप लोग का लास्ट चांस है, इसके बाद आपको जिंदगी में और चांस नहीं मिलेगा, किसी और को मिल सकता है, आपको नहीं मिलेगा। और आप 6 महीना नहीं रुक सकता है अपना दफा के लिए,
इतना कमजोर है हम लोग? क्यों इतना कमजोर? क्यों थानसा को हम लोग नहीं समझते? क्यों आज हम लोग आज इस परिस्थिति में है त्रिपुरा में? ईगो, जलन, एक दूसरे के खिलाफ बात करो, क्यों? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है हम लोग का त्रिपुरा के अंदर, और वो प्रॉब्लम को अगर हमको खत्म करना है तो आपको नेतागिरी और पॉलिटिक्स को छोड़ना पड़ेगा और आपको दोफा को सामने रखना पड़ेगा। अगर नहीं, आप लोग ताली मत मारो, ये ताली मारने के लिए मैं आज मैंने रुनिल को बोला कि ये मुझे मीटिंग करना है, क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपको भाषण नहीं देना चाहता हूं, आपसे एक कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूं। क्या है ग्रेटर त्रिपुरा? एक चांस है, अगर ग्रेटर त्रिपुरा मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन मिलता है, आपको कल नौकरी मिलेगा, आपको कल एक मौका मिलेगा। आज नागालैंड में नागा का एक फ्यूचर है, आज मिजोरम में मिजो का फ्यूचर है, आज मेघालय में खासी गारो जयंती का फ्यूचर है, अरुणाचल में अरुणाचली का फ्यूचर है, लेकिन त्रिपुरा में हमारा भुकुमबरा का फ्यूचर नहीं है आज तक। ये है ग्रेटर त्रिपुरा, ये सिर्फ इलेक्शन फाइट करने के लिए नहीं है। आपको लगता है कि मैं मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है? नहीं। आपको लगता है मुझे एमपी बनना है? नहीं। मुझे 13 लाख पिपरासा को कुछ देना है, खुद अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ मिल गया तो आपका प्यार ही मेरे लिए काफी है। मुझे एमएलए नहीं बनना है, एमपी नहीं बनना है, 13 लाख पिपरासा को, 20 एमएलए को नहीं, 13 लाख पिपरासा को कुछ देना। ये जो चांस हमको अब मिलेगा, इसको वाईटीएसी आगे ले जाता, लेकिन मैं क्या देखता हूं, डिवाइड एंड रूल जो आईपीएफटी में हुआ, जो आईएनपीटी में हुआ, जो बीजेपी में हो रहा है, जो सीके में हो रहा है, वो यहीं में हो रहा है। विलेज काउंसिल में हम सुन रहे हैं कि कहीं में करप्शन है, जोनल में करप्शन है, सब जोनल में करप्शन है। जो नेता लोग को विश्वास करके हम लोग ने जगह दिया है, उनका काम रुपया कमाने के लिए नहीं, उनका काम है लोगों को हेल्प करने के लिए। कोरोना के टाइम आप लोग ने हेल्प नहीं किया, नहीं किया आप लोग ने हेल्प किया, क्योंकि आपने हेल्प किया, आपने नेतागिरी नहीं किया, आपने हेल्प किया, इसके लिए आज त्रिपुरा मौथा पावर में है। अगर आप लोग अभी भी हेल्प करेगा तो 2023 में त्रिपुरा मौथा अपना लक्ष्य में ग्रेटर त्रिपुरा